वेक्टर्स, वेक्टर्स जो होते हैं ये एक तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हम अपना डिज़ायर डीएनए इंसर्ट करते हैं और फिर इन वेक्टर्स को हम डाल देते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, ताकि जो हमारा डिज़ायर डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन सकें। ये जो वेक्टर्स हैं इन्हें हम ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने फॉरेन डीएनए को इनमें इंट्रोड्यूस किया और फिर उसको होस्ट सेल में डाल दिया ताकि उसके क्लोन्स हम ले सकें। वेक्टर्स दो तरह के हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स और एक्सप्रेशन वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं वो फॉरेन डीएनए के क्लोन्स बनाते हैं। इनके एग्जांपल हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर्स के एग्जांपल हैं। मतलब इनमें हमने अपना डीएनए डाला और उस डीएनए की ढेर सारी कॉपीज बन गई, इसीलिए क्लोन्स बना रहे हैं ये, तो क्लोनिंग वेक्टर्स। दूसरे होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स, मतलब हमने डीएनए डाला और उस डीएनए ने उस वेक्टर के अंदर जाके जब उस वेक्टर को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला तो उस वेक्टर ने ट्रांसक्रिप्ट किया, ट्रांसलेट किया और प्रोटीन बना दी, मतलब एक्सप्रेशन दिया अपना, और उस प्रोटीन को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली जीन ली, उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया उसका और उसको ई कोलाई के होस्ट में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, वो ई कोलाई के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और ढेर सारी इंसुलिन बना देगा और उस इंसुलिन को डायबिटिक पेशेंट यूज़ करेंगे। तो ये हो गया कि हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं और इधर हम सीधा फॉरेन डीएनए यूज़ कर रहे हैं। फिर जो वेक्टर्स होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए हर एक वेक्टर में, कि ऐसा होना ही चाहिए। तो भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ऑटोनोमस होने चाहिए, डिपेंड नहीं करते हो होस्ट सेल के ऊपर रेप्लिकेट करने के लिए, ताकि क्योंकि हम जब डालेंगे अपना डिज़ायर्ड जो डीएनए डालेंगे वो खुद अपना अलग से रेप्लिकेट करें और हमें उसके ढेर सारे क्लोन्स मिल जाएं। सेकेंड इज प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब है कि प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन जाके ओआरआई के साथ ज्वाइन करेगा और उस ये जो प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन होती है ये इसको जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। और प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ होगी? ओआरआई के पास। और ओआरआई को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। तो इस तरह से प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन हेल्प करता है रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग में, उसको स्टार्ट होने में। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स ऐसी एक जीन होती है जो स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज आती है, कि जैसे कि किसी एंटीबायोटिक ने अटैक कर दिया, तो अगर कोई स्पेसिफिक अगर सेल है उसके जो प्लाज्मिड है वेक्टर है उसका, अगर उसके पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी एम्पीसिलिन या फिर फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन की, तो वो सरवाइव कर पाएगा। जिसके पास नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैगजेड जीन, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो नहीं पर उसमें होती है, PUC19 में प्रेजेंट होती है। ये बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम बनाती है और ये भी सर्वाइवल में हेल्प करती है स्पेसिफिक कंडीशंस में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स। रिस्ट्रिक्शन साइट तो हर एक वेक्टर के पास प्रेजेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वो साइट्स होती है जहाँ से हम किसी भी वेक्टर को लाइगेज करते हैं, क्योंकि इनसीज कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स वो साइट्स होती है वेक्टर पर जहाँ पर किसी वेक्टर को कट किया जाता है और वहाँ पर हम अपना फॉरेन डीएनए लाइगेशन करते हैं फॉरेन डीएनए की, वो होती है रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये तो हर किसी के पास होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर का यूज ही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वेक्टर्स की वो उनका स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने चाहिए क्योंकि जो स्मॉल साइज होते हैं वो हैंडल करने में भी सही रहते हैं और उनकी मल्टीपल कॉपीज हम मेंटेन कर सकते हैं किसी भी होस्ट सेल में, और उनके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी कम होती हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स कम होंगी मतलब कम एंडोन्यूक्लियस उन पर अटैक कर पाएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं तो जो ओआरआई होती है या फिर जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो भी कट हो सकते हैं, और उनके कट होने की वजह से वो पूरा के पूरा जो है वो वेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए लेस होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। कई बार ये ज़्यादा होती हैं तो वो भी हेल्पफुल हो जाती हैं।
लेकिन डिपेंड करती है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन वेक्टर में ये भी होना ही चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए टू ऑप्टिमाइज क्लोनिंग। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, जिनके जो मैंने पहले भी बताए थे, जैसे कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस हो गए, कॉस्मिड, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो सब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ई कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर्स क्या क्या हैं। तो वो है प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। प्लाज्मिड वेक्टर्स में दो आते हैं, PBR322 एंड PUG19। प्लाज्मिड वेक्टर्स जो होते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और ये मेन फीचर तो यही है सभी का कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ORI प्रेजेंट होती है इनमें। तो देखते हैं दो तरह के होते हैं, और जो प्लाज्मिड्स का साइज है वो वरी करता है 1 से लेकर 300 KB तक, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दो तरह के हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, PBR322 एंड द PUG19। तो PBR322 ये देखते हैं, ये जो इसका नाम है ये पहले देखते हैं, और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है। तो इसका नाम देखते हैं, ये जो इसका पी है ये तो प्लाज्मिड है क्योंकि ये प्लाज्मिड है, एंड BR रिप्रेजेंट करता है इसके जो डेवलपर है उसको, जो कि बॉलिवियर एंड रॉड्री ग्वेज है। 322 नंबर दिया गया है कि सेम लेबोरेटरी में जो अलग अलग प्लाज्मिड्स डेवलप किए जाएंगे तो उनको एक कोड दे दिया जाता है, वैसे ही इसे 322 वो कोड दिया गया है। ये इसका डायग्राम है PBR322 का, ये एक डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, और इसमें 4361 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक क्योंकि ये स्मॉल साइज्ड होता है इसलिए इसमें ये पर सेल अपना जो इसका कॉपी नंबर होता है ये काफ़ी हाई होता है, इसका कॉपी नंबर पर सेल 20-30 कॉपीज होता है। और हम इसमें देख सकते हैं इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स इको R1, क्लैल, हिंथर्ड, बामेश्वन, सॉल्वन, PVU2, ये इसमें पूरी 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं, मतलब कि बहुत ही यूजफुल है। इसमें ढेर सारी एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी कट कर सकते हैं, कहीं पर भी हम अपना फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है, यहाँ से ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। और ये ROP है जो बताया था कि प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर DNA पॉलीमरेज इसको रिकोगनाइज करेगा और ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, और फिर इसके बाद यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है। ये जो है इसे 3 डिफरेंट नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड से बनाया गया है, जैसे इसके ये जो जो दो सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये R1 और R65 जो प्लाज्मिड है वहाँ उनसे ली हुई है। और इसकी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है ये PMB1 जो प्लाज्मिड है उससे ली गई है, और ये बहुत ही कॉमनली यूज रिकम्बिनेंट वेक्टर प्लाज्मिड है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है PUG19। जो भी हमने पढ़ा PBR322 उसके जो वैल्यूएबल फीचर्स हैं उनको एनहांस की करके पग बनाया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोड्यूस्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसमें हम पढ़ेंगे PUG19, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है DNA को कैरी करने की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 10-15 KB है, और जो पिछला था उसकी भी इतनी थी, नियर अबाउट इतनी होती है, 15 से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम वैसे 10 तक ही होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है PUG19 की स्ट्रक्चर, ये एक स्मॉल प्लाज्मिड है, और इसका हाई कॉपी नंबर होता है क्योंकि ये हाई कॉपी नंबर एक सेल में, इसका जो कॉपी नंबर होता है वो काफ़ी हाई होता है, 500-700 पर सेल होता है, क्योंकि इसमें ROP जीन प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें सिंगल एक पॉइंट म्यूटेशन की गई है ORI साइट में, और इसकी जो ORI साइट है वो PMB1 प्लाज्मिड से ही ली गई है। ये इसमें यहाँ पे लैग जीन प्रेजेंट है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ORI साइट है, ये पॉलीलिंकर है, इसमें ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये काफ़ी यूजफुल है सिलेक्टिव स्क्रीनिंग के लिए, इसमें ये काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, ये
फॉरेन डीएनए को इसमें लाइगेट करके, और फिर उसको जब बैक्टीरिया के सेल में पुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो उस पूरी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो 2686 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। पॉलीलिंकर जो है उनको मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स कहा जाता है। ये एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट होता है जिसमें ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, जहाँ पर हम एंजाइम्स का यूज़ करके, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज़ करके हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें ये ओआरआई साइट प्रेजेंट होती है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है, और PUC19 जो होता है इसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है डीएनए के इंट्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्लाज्मिड है, वेक्टर है सॉरी, वो है बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ये जो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, इसका जो इंसर्ट साइज होता है, इसमें हम 100 से लेकर 300 तक के डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये उन दोनों से बेटर है, जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड हमने दोनों दो पीछे पड़े उन सबसे बेटर है ये, क्योंकि इसमें हम लार्ज डीएनए को पुट कर सकते हैं। और ये इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओआरआई, और ये एफ प्लाज्मिड से लिया जाता है। साथ ही में इसका जो साइज होता है ये 100 KB से नहीं, इसमें जो डीएनए हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो 100 से लेकर 300 KB तक का डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सबसे बेटर है क्योंकि इसमें लार्ज डीएनए हम पुट कर सकते हैं। इस वेक्टर की स्टेबिलिटी और कन्वीनियंस के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है होल जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स के।